लोकसभा चुनाव इस वक्त पर सबसे चर्चित मुद्दा है। बीते दिन चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों से लेकर चुनाव की प्रक्रिया पर बात करते हुए चुनाव की गणना का भी ऐलान कर दिया। लेकिन अब चुनाव के शेड्यूल में बदलाव सामने आया है, मतगणना की तारीखों में बदलाव किया गया है। तो क्या है नया शेड्यूल, क्यों बदली गई तारीख, क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। 16 मार्च को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव से जुड़ी अन्य जानकारी साझा की। राजीव कुमार ने बताया कि चुनाव 7 चरणों में कराए जाएंगे। 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी और 1 जून को 7वें चरण के लिए मतदान होगा। पहली वोटिंग के ठीक 46 दिन बाद 4 जून को नतीजे आएंगे। लेकिन अब चुनाव के शेड्यूल में बड़ा बदलाव सामने आया है। दरअसल ये फेरबदल अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम दो ही राज्यों में किया गया है। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में लोकसभा के पहले चरण के चुनाव के साथ ही 19 अप्रैल को विधानसभा चुनाव के लिए भी वोट डाले जाएंगे। इन दोनों राज्यों में मतगणना अब 4 जून की बजाय 2 जून को होगी। बताया जा रहा है कि दोनों ही राज्यों में सरकार का कार्यकाल 2 जून को समाप्त हो जाएगा, इसलिए किसी भी हालत में यहां 2 जून तक मतगणना का काम पूरा हो जाना चाहिए और इसीलिए चुनाव आयोग को शेड्यूल में त्वरित बदलाव करना पड़ा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।